हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 21 से 31 अगस्त 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे उनके बारे में। दोस्तों इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए है या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया, वह निम्न में से किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो दोस्तों ये रेड बस, अशोक लेलैंड, इंडिगो पेंट्स और ड्रीम इलेवन, ये चारों ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। दोस्तों आइए बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो आपको बता दें इनकी कुल कमाई 8,335 करोड़ रुपए है। इनका करियर 23 सितंबर 2004 से शुरू हुआ था जो 15 अगस्त 2020 को खत्म हुआ। दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा सिक्स बतौर विकेट कीपर लगाने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है और डीआर धोनी रिव्यू सिस्टम भी ऐसा कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें ये रांची रेंज, चेन्नई एफसी, स्पोर्ट फिट, जिम सेवन ब्रांड और कैप्टन कूल होटल के भी मालिक हैं, तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में मरीज की आवाज से कोरोना की जांच की जाएगी? तो ये है मुंबई। मुंबई शहर में मरीज की आवाज से कोरोना की जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये है भोपाल इंदौर प्रायोरिटी कॉरिडोर। दोस्तों इस कॉरिडोर के बारे में कुछ हम इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये 6 लेन एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 5,029 करोड़ रुपए रखी गई है। 124 गांवों से गुजरेगा जिनकी 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह 146.88 किलोमीटर होगी। तो आपको इतना इस प्रायोरिटी कॉरिडोर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये है अटल प्रोग्रेस वे। चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चंबल एक्सप्रेस वे यानी ये चंबल संभाग से गुजरेगा और चंबल संभाग में जो जिले आते हैं वह शिवपुर, मुरैना और भिंड है। दोस्तों इस प्रोग्रेस वे की जो लंबाई है वह 309 किलोमीटर है और इसकी लागत 6,193 करोड़ रुपए रखी गई है। तो इतना आपको इस एक्सप्रेस वे के बारे में याद रखना है और इसका नया नाम अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 1,265 किलोमीटर। आपको बता दें मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसे नर्मदा एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर अंकलेश्वर गुजरात तक जाएगा। इसमें 29 शहरों और कस्बों को जोड़ा जाएगा और ये भी 6 लेन हाईवे होगा जिसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 1,265 किलोमीटर होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये भारत के क्रिकेट के एक खिलाड़ी थे जिनकी 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1991 से 1998 तक सांसद रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें ये इंडिया के लिए 1969 से 1978 तक भारतीय टीम में शामिल थे। तो आपको इतना चेतन चौहान के बारे में याद रखना है, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में साहूकारी ब्याज पर नियंत्रित करने प्रावधान निश्चित किए गए हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में साहूकारी ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान निश्चित किए गए हैं। दोस्तों 15 अगस्त से नियम लागू किए जाएंगे। नियम के अनुसार तय ब्याज दर पर ही साहूकार उधार देने दे सकेंगे। इसका कुछ नियम आपको बता दें तो साहूकार लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा और अगर तय ब्याज से दर अधिक लेती हैं तो वह कर्ज शून्य माना जाएगा। ये कुछ नियम हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सी योजना शुरू हुई है? तो स्टार्ट योर बिजनेस जो योजना है वह हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। निवेश लाने और नए उद्योग स्थापना हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम भी बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में और 10वीं और 12वीं की अंक सूची के आधार पर काम की व्यवस्था की जाएगी। इसी के लिए स्टार्ट योर बिजनेस योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ?
बनाया जाएगा। तो ये है मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में। मध्य प्रदेश के खंडवा में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट और देश का भी सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में से बनाया जाएगा। बात करते हैं इसकी लागत की, तो 3000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और इससे जो बिजली का उत्पादन होगा वह 600 मेगावाट का किया जाएगा। दोस्तों बात आई है खंडवा की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट खंडवा जिले के बारे में बता दें। कपास उत्पादन के लिए सुनहरा जिला माना जाता है खंडवा। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर, जिसे ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यह खंडवा में ही स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार और किशोर कुमार की जन्म स्थली भी खंडवा ही है। पुनासा इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर खंडवा में ही बनाया गया है। दादाजी धूनीवाले का दरबार भी खंडवा में ही लगाया जाता है। दोस्तों इसे पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध संत सिंगा जी का समाधि स्थल भी खंडवा ही है और देश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला भी खंडवा ही है। देश का पहला जल सत्याग्रह घोतला जल सत्याग्रह खंडवा में ही शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको शेयर किए हैं खंडवा के बारे में, आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे से खाद बनाने का प्लांट का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये है मध्य प्रदेश के सागर में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कचरे से खाद बनाने का प्लांट का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। दोस्तों इसका शुभारंभ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है और इसे 71 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बताइए सागर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के बारे में बता दें। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है सागर जिला। सागर को भारत का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरीश गौर विश्वविद्यालय सागर में ही स्थित है। सती का प्रथम उल्लेख ईरण अभिलेख सागर में ही मिलता है। नापतौल प्रशिक्षण संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी सागर में ही की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य सागर में ही स्थित है। बीना तहसील में ऑयल रिफाइनरी भी लगाई गई है ओमान की सहायता से। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, इसके बारे में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 फीट का निदान वाटरफॉल किस जिले में स्थित है? तो ये है जबलपुर। जबलपुर जिले में 150 फीट का निदान वाटरफॉल स्थित है। दोस्तों बात आई है जबलपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जबलपुर के बारे में बता दें। दोस्तों मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर को ही बनाया गया था। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान भी स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला गांव जबलपुर में ही स्थित है। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में ही बनाया गया है। जबलपुर को प्रदेश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र भी बनाया गया है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में ही स्थित है। रूपनाथ अभिलेख भी जबलपुर में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखना है जबलपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई की 12 अगस्त को कौन सी जन्म जयंती मनाई गई है? तो ये 101वीं जन्म जयंती विक्रम साराभाई की 12 अगस्त को मनाई गई है। दोस्तों ये एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं विक्रम साराभाई की, तो इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का पिता कहा जाता है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिए गए थे। दोस्तों इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे विक्रम साराभाई के बारे में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहां शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुई है। रिलिप्स एफसी क्लब के द्वारा यह गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये है राकेश अस्थाना, इन्हें हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों ये आईपीएस अधिकारी हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पद पर भी रह चुकी हैं। बात आई है दोस्तों बीएसएफ की, तो आपको बीएसएफ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। इसका जो फॉर्मेशन है वह 1 दिसंबर 1965 में किया गया था और जो अंडर मिनिस्ट्री यानी जो बीएसएफ जिस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और हाल ही में जो महानिदेशक बने हैं वह राकेश अस्थाना ही हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखना है बीएसएफ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड 19 अस्पताल हाल ही में कहां शुरू हुआ है? तो ये राजकोट गुजरात में शुरू हुआ है। देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड अस्पताल राजकोट में हाल ही में शुरू हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन आने वाले 8 दिसंबर 2020 को विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री ISA के थ्रू होने वाली बैठक जिसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर हिस्सा लेंगे, यानी जो सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा वह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा, और इस जो सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन है उसे ISA के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है। दोस्तों अब ये ISA क्या है तो आपको इसके बारे में बता दें, ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। दोस्तों इसे भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, इसका फाउंडेशन पेरिस में रखा गया था, लेकिन जो हेडक्वार्टर है वह है गुरुग्राम हरियाणा में है। फॉर्मेशन 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, और जिसके जो हाल ही में DG यानी डायरेक्टर जनरल हैं वह है उपेंद्र त्रिपाठी हैं। तो आपको इतना ISA के बारे में याद रखना है जिसके द्वारा ही 8 दिसंबर 2020 को विश्व प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का हाल ही में निधन हुआ, ये किस घराने से थे? तो दोस्तों ये मेवाती घराने से थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों मेवाती घराना दिल्ली का घराना है, आप कंफ्यूज मत होना वरना आप मेवाड़ लगा दें, मेवाड़ नहीं है, मेवाती घराना दिल्ली से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं पंडित जसराज के बारे में, तो आपको बता दें भारतीय शास्त्रीय गायक, पद्मश्री से सम्मानित, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रह स्थित है जिसका नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है नासा के द्वारा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आपको पंडित जसराज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये है हरभजन सिंह, हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है सुरेश रैना, हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों आपको इनके बारे में याद रखना है, इनका करियर 2005 से शुरू हुआ था और 2020 पर इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म में दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय थे, तो आपको इतना इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है? तो ये है अशोक लवासा, दोस्तों अशोक लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों इन्हें ADB के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों इससे पहले जो ADB के उपाध्यक्ष थे वह दिवाकर गुप्ता थे, आपको इनके बारे में याद रखना है कि दिवाकर गुप्ता की जगह है ADB का नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा को चुना गया है जो हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद पर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की रेलवे स्टेशन मंडू RDA का नाम बदल गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बनारस में स्थित है, आपको याद रखना है हाल ही में इस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन किया गया है। जैसा कि आपको पता है बनारस प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में घोषणा हुई है कि अब राज्य से बाहर के छात्रों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? तो ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हाल ही में घोषणा हुई है कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के छात्र हैं उन्हें अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी मध्य प्रदेश में। दोस्तों ऐसी घोषणा हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। दोस्तों आपको बता दें इस योजना से 15 से 20 लाख छात्रों को फायदा होगा, मध्य प्रदेश के छात्रों को। बात करते हैं दोस्तों इससे पहले भी कई योजनाएं इसी प्रकार की लाई गई हैं लेकिन वो सारी फेल हो चुकी हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह भी एक योजना लाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश से 10वीं होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया था। तो ये कुछ फेल भी है इस योजना के, आने वाले समय में हम देखते हैं कि ये योजना कब तक लागू रहती है मध्य प्रदेश में और कैसे इनका क्रियान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो ये है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक को हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों इससे पहले यहाँ के जो राज्यपाल थे वह तथागत रॉय थे, अब आपको बता दें सत्यपाल मलिक हाल ही में जो प्रेजेंट में जो थे वह गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनका ट्रांसफर मेघालय किया गया है। तो अब गोवा का जो चार्ज है वह भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। तो यानी भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा दोनों के राज्यपाल हैं और सत्यपाल मलिक मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL का स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो ये है ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन को हाल ही में IPL का स्पॉन्सर चुना गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है IPL का स्पॉन्सर वीवो था जिसे हाल ही में हटा दिया गया है और उसकी जगह है 222 करोड़ रुपए में ड्रीम इलेवन को IPL का स्पॉन्सर चुना गया है। आपको पता है दोस्तों UAE में 2020 का IPL अनाउंस किया गया है जिसके लिए टीमें भी रवाना हो चुकी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है? तो ये है 19 अगस्त। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, 2020 में द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह हैना रेस मोना लॉस्को, जो फिलीपींस की हैं, इन्हें 2020 का इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बात करते हैं फोटोग्राफी के बारे में। तो पहली तस्वीर 1847 में पेरिस में ली गई थी। 300 करोड़ तस्वीर रोज पूरी दुनिया में क्लिक की जाती हैं। इसके अलावा 1957 में पहली डिजिटल तस्वीर खींची गई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं फोटोग्राफी के बारे में, आपको याद रखना है। और यह दिवस 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। एसएससी रेलवे और बैंक भर्ती के लिए हाल ही में किस संस्था का गठन किया गया है? तो दोस्तों ये है एनआरए, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एसएससी रेलवे और बैंक भर्ती की परीक्षा का आयोजन कराएगा। दोस्तों इसे हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से जाना जाएगा। अब ये नेशनल यानी राष्ट्रीय एजेंसी क्या है, आपको इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। और जो जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। सबसे बात पहले बात करते हैं एनआरए द्वारा तीनों परीक्षाओं के ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो नॉन टेक की परीक्षाएं होंगी, वो आयोजित कराएगा। इस परीक्षा का नाम, जो एनआरए जो परीक्षा आयोजित कराएगा, उसका नाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और इसे पास करके आप अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं। मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसे अभी नहीं अपनाया है, यानी मध्य प्रदेश ने एनआरए को हाल ही में अपना लिया है। ये अलग से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टेस्ट के बाद टीयर 2 टीयर 3 होंगे या नहीं, इस पर संशय है। हाल ही में दोस्तों हालांकि जो कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है कि टीयर 1 खत्म हो जाएगा। एनआरए 3 स्तर पर होगा। सीईटी परीक्षा को संचालित करेगा, 10th स्तर पर, 12th स्तर पर और एजुकेशन लेवल पर एग्जाम किए जाएंगे, लेकिन जो पाठ्यक्रम या सिलेबस होगा वह एक जैसा ही होगा। सीईटी का रिजल्ट 3 साल तक मान्य रहेगा। स्कोर बढ़ाने के लिए आप इस परीक्षा में बार बार बैठ सकते हैं। एज रिलेटेड इशू जो पहले से नियम लागू थे वह हाल ही में लागू रहेंगे। इस पर भी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा और यहां से आप अपना परीक्षा क्षेत्र चुन सकते हैं। जो आपका निकटतम परीक्षा क्षेत्र होगा वहां पर जाकर आप हम इस एजेंसी के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों इसके जो फायदे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो टाइम, फीस और दौड़ भाग की कमी होगी। और इसके अलावा इसे 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, यानी आप हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, पंजाबी, इन सभी भाषाओं में भी इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है एनआरई के बारे में, आपको याद रखने हैं। ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार पंजीयन अनुसार मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की वर्तमान संख्या क्या है? तो यह है 32 लाख। मध्य प्रदेश में वर्तमान बेरोजगारों की संख्या 32 लाख है। दोस्तों अगर सबको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी तो मध्य प्रदेश में 20 साल लगेंगे इन 32 लाख युवाओं को या बेरोजगारों को नौकरी देने में। तो दोस्तों बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी नौकरी पिछले 2-3 साल से एक भी नौकरी नहीं निकली है। तो दोस्तों जो हाल ही में हैशटैग चल रहा है ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नौकरी तलाशने किसके द्वारा कोरमो जॉब ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है गूगल। भारत में गूगल के द्वारा कोरमो जॉब ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे दोस्तों आप नौकरी तलाशने के लिए आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार देश की सबसे खराब यूनिवर्सिटी किसे बताया है? तो ये है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी अमरकंटक। इसे शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार देश की सबसे खराब यूनिवर्सिटी बताया है। दोस्तों टोटल 40 यूनिवर्सिटी में पहला स्थान जो दिया गया है वह जामिया मिलाया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली को दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वह हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है और इसे 17वां स्थान इस लिस्ट में दिया गया है। वहीं सबसे खराब देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताई गई है वह यह इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, जो अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की टॉप 10 महिला खिलाड़ी लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है नायोमी ओसाका, जो जापान की रहने वाली हैं। फोर्ब्स की टॉप 10 महिला खिलाड़ी लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। इनकी कुल ब्रांड वैल्यू 280 करोड़ रुपए रखी गई है। वहीं सेकंड बात करते हैं कि सेकंड स्थान पर कौन है, तो सेरेना विलियम्स हैं, जो यूएसए की हैं और इनकी ब्रांड वैल्यू 270 करोड़ रुपए है। वहीं थर्ड स्थान पर एसली वार्टी हैं और इनकी ब्रांड वैल्यू 97 करोड़ रुपए रखी गई है। दोस्तों आपको बता दें टॉप 10 जो महिला खिलाड़ी लिस्ट हैं इनमें 9 तो सिर्फ टेनिस प्लेयर हैं। और अगर टॉप 10 महिला खिलाड़ी लिस्ट में भारत की बात की जाए तो भारत की एक भी प्लेयर
टॉप 10 महिला खिलाड़ी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले सीईटी परीक्षा को राज्य की प्रमुख परीक्षा बनाया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीईटी परीक्षा जो एनआरए के द्वारा की जाएगी, जो मैंने अभी पहले बताया है आपको, उस परीक्षा को राज्य की प्रमुख परीक्षा बताया है मध्य प्रदेश में। यानी अब मध्य प्रदेश में पीईवी के द्वारा एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, जो सीईटी परीक्षा होगी उसी के द्वारा ही भर्ती की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये 2021 से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा अकाउंट में न्यूनतम राशि न रखने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है एसबीआई। एसबीआई के द्वारा जो बैंक में न्यूनतम राशि रखी जाती थी और अगर वह बैंक में नहीं होती थी तो जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब एसबीआई यह जुर्माना नहीं वसूलेगा। तो ये एसबीआई के द्वारा हाल ही में एक अच्छा निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात आई है एसबीआई की, तो आपको इसके बारे में बता दें, एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसको पहले इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 में किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो हाल ही में चेयरमैन है वह रजनीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है अक्षय ऊर्जा दिवस क्यों मनाया जाता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका डेवलपमेंट हेतु यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जो प्रकृति से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। उन्हीं के आधार पर यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को 2004 से मनाया जाना शुरू किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वे 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये हमारा प्यारा इंदौर। हमारा प्यारा इंदौर स्वच्छता सर्वे 2020 में लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। दोस्तों दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। अगर बात करें कुछ इसके पैरामीटर्स के, जो स्वच्छता सर्वे 2020 हुआ है उनके बारे में, तो अलग अलग रैंकिंग दी गई है। जो सबसे स्वच्छ शहर है वह तो इंदौर है, और इसके अलावा गंगा नदी के किनारे बसे साफ शहरों में वाराणसी पहले स्थान पर है। देश की सबसे साफ राजधानी नई दिल्ली चुनी गई है। 100 से अधिक साफ शहरों वाला राज्य छत्तीसगढ़ है और 100 से कम साफ शहरों वाला राज्य झारखंड है। सबसे गंदा शहर पटना को बताया गया है। दोस्तों जो यह सर्वे किया जाता है वह किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो उस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, और इसके जो मंत्री हैं वह हरदीप सिंह पुरी हैं। आपको बता दें कुल जो सर्वे किया गया है शहरों पर वह 4,242 शहर थे जिन पर सर्वे किया गया है 2020 में, और दुनिया का यह सबसे बड़ा सर्वे कहलाता है। दोस्तों अगर बात करें मध्य प्रदेश के और जो शहर हैं उनके बारे में, तो सागर 43वें स्थान पर है और भोपाल 7वें स्थान पर इस लिस्ट में रखा गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे इस लिस्ट यानी स्वच्छता सर्वे 2020 के बारे में, आपको याद रखने हैं। दोस्तों अब बात आई है इंदौर की, तो चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में बताते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है लोकेशन इंदौर जिले की है। बात करते हैं इंदौर की, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही स्थित है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही लगाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग भी इंदौर में ही स्थित है। भीमराव अंबेडकर की जो जन्मस्थली महू है वह इंदौर में ही स्थित है। दोस्तों सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी इंदौर में ही लागू की गई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं इंदौर के बारे में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी सीएम हेल्पलाइन में कौन सा जिला पंचायत पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रीवा। रीवा एमपी सीएम हेल्पलाइन निराकरण, जो शिकायतें आती हैं इस हेल्पलाइन पर उसके निराकरण में पहले स्थान पर है। इसमें जो शिकायतें निराकरण की गई हैं वह 85.77% की शिकायतें निराकरण किया जा चुका है। सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश का सागर है जिसमें 85.34% शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट था आपको रीवा के बारे में याद रखना है। चलिए दोस्तों बात आई है रीवा की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है रीवा की। रीवा के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सफेद सिर की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। सुपारी के खिलौने यहाँ बनाए जाते हैं। राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन थे जो बाद में अकबर के दरबार में पहुंचे।
मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में ही स्थित है। प्रदेश का सबसे ऊंचा प्रपात जलप्रपात जो चचाई है यह भी रीवा में ही स्थित है। महामृत्युंजय का मेला और त्योंथा पुरातात्विक स्थल भी रीवा में ही स्थित है। आम अनुसंधान केंद्र भी रीवा में ही बनाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है रीवा के बारे में, आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 21 से 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो लेट होने का कारण हमारे लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो गई थी जिसके कारण ये वीडियो लेट हो गया, वरना आपको हर 10 दिन बाद वीडियो मिल ही जाता है। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो ये आईडी दी गई है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ के अलावा और भी स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।